ये सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश सरकार भीड़ हिंसा मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले लोगों को के परिजनों को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कैबिनेट को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट बैठक लोक भवन में जारी है और इसके अलावा गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए एक मुश्त समाधान योजना से कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य माफ कीजिए स्टेट ब्यूरो हेड अखिल सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अखिल जी, योगी कैबिनेट बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट इस पर मिल पा रहा है? उसका देखिए, अभी बैठक जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इसमें कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। जिससे आज मौसम की छुट्टी थी, इसके अलावा मोहर्रम की वजह से इन्होंने कैबिनेट की बैठक रखी है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो प्रदेश के कैबिनेट गुड़ भंडारी इकाई के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 7 समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट कृषि विपणन एवं कृषि विदेशी व्यापार विभाग के ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसमें 2019-20 से लेकर 21-22 तक के लिए गो व खंडासा की जो है उनको प्रस्ताव मिल सकती है। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट के क्षेत्र में सरकारी सार्वजनिक जमीन जो है वो निःशुल्क सरकार दे सकती है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के जेवर के क्षेत्र में भी जो है सरकारी सार्वजनिक जो भूमि है उसको कर सकती है। उसके साथ साथ क्या ऐसे भूमि नागरिक उड़ान जो है वो विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। इसमें कैबिनेट आज मुहर लगा सकती है और पीएम सुपर पार्टी के लिए प्रतिपूर्ति करेगी सरकार। इसके अलावा बसे कई अहम ऐसे प्रस्ताव है जो प्रदेश के हित में है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि प्रदेश के जो भी आम नागरिक हैं, जो आपकी पहचान पत्र व्यक्ति है, उनको कितना लाभ पहुंचाया जा सकता है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कैबिनेट पास कर सकती है, तो उसको भी अहम मुद्दे रखे गए हैं, प्रस्ताव रखे गए हैं और कुछ देर में प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अभी कुछ ही देर में वो फाइनल होगा, उन सभी प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, उसके बाद ड्रेस फिटिंग होगी उसका। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र